नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आज चर्चा पश्चिम बंगाल की और पश्चिम बंगाल में उस मुद्दे की जो पिछले कई दिनों से पूरे देश में सुर्खियों में है। जी हां, आपने सही समझा, ये मुख्य सचिव आलापन बनर्जी के तबादले का डेपुटेशन पर उनको दिल्ली बुलाने के मुद्दे पर जो विवाद चल रहा है, आज मैं चर्चा उसी की करूँगा। और ये जो विवाद चल रहा है इसमें ये अब नाक की लड़ाई बन गया है केंद्र और राज्य सरकार के लिए, या सीधे कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए। और दोनों के बीच ममता ने कई 5 पेज का कल सुबह पत्र भेजा था जिसमें उसने प्रधानमंत्री पर जम के हमले किए थे। और ये शायद हाल के वर्षों में पहला मौका है जब किसी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री पर इतने करारे हमले किए हैं। तो ये पहले से, जब बीजेपी ने चुनावों के पहले नारा दिया था अब की बार 200 पार और 2 मई दीदी गई, तो उसके जवाब में ममता बनर्जी ने खेला होबे का नारा दिया था। और खेला तो आप देख रहे हैं कि चुनाव के पहले से चल रहा है और चुनाव के बाद भी यह थमा नहीं है। वो चाहे हिंसा हो, चाहे बाकी चीज़ें हो, नारदा मामले में गिरफ्तारियां या फिर अब मुख्य सचिव के तबादले के मुद्दे पर जो विवाद हो, तो अब जो प्रधानमंत्री की बैठक थी, समीक्षा बैठक या आज तूफान के मुकाबले, उसमें न तो ममता बनर्जी खुद गई, न उनके मुख्य सचिव आलापन बनर्जी ने हिस्सा लिया था। तो उसके बाद उसी दिन शाम को आलापन बनर्जी को दिल्ली ज्वाइन करने के लिए बुलाया गया एक पत्र भेज के केंद्र ने, और 31 तारीख को उनको ज्वाइन करना था। और 31 को उनको यूँ भी रिटायर होना था, लेकिन बीते सप्ताह ही ममता की अपील पर, ममता के पत्र पर, केंद्र सरकार ने 3 महीने के लिए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया था। लेकिन जब केंद्र अड़ गया कि उनको ज्वाइन करना ही है, ममता ने रिलीज़ नहीं किया। ममता ने कल सुबह प्रधानमंत्री को पत्र भेजा था, इससे पहले भी वो अपील कर चुकी थी कि ये आदेश वापस लिया जाए, लेकिन जब प्रधानमंत्री की ओर से कोई जवाब नहीं आया तो मुख्य सचिव ने कल रिटायरमेंट ले लिया। और उसके तुरंत बाद ममता बनर्जी ने 3 वर्षों के लिए उनको अपना मुख्य सलाहकार बना दिया। तो खेला के इस यह पहला राउंड तो जो ममता और मोदी के बीच में या केंद्र और राज्य सरकार के बीच में तनातनी चल रही है, पहला राउंड तो ममता के नाम रहा है। और इसे कहा जा सकता है कि राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में कहा जा रहा है कि मोदी के नहले पर ममता ने दहला मारा है, और अदालती कार्रवाई की बजाय उन्होंने सबसे आसान रास्ता चुना है कि मुख्य सचिव को रिटायर करवा दिया। और एक करारा जवाब माना जा रहा है कि अगले दिन से ही, यानी आज 1 जून से ही, वो मुख्य सलाहकार के तौर पर उसी राज्य सचिवालय में बैठेंगे जहां वो मुख्य सचिव के तौर पर बैठते थे। लेकिन जानकारों का मानना है कि अहं की लड़ाई इतनी आगे बढ़ चुकी है कि केंद्र सरकार चुप नहीं बैठेगी इस मामले में और कुछ न कुछ कार्रवाई ज़रूर करेगी। सोमवार शाम को भी एक पत्र भेजा गया था आलापन को कि आप मंगलवार को फौरन ज्वाइन कीजिए दिल्ली में, लेकिन ममता ने फिर कल शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा कि अब ये आदेश लागू नहीं होता है क्योंकि वो पहले ही रिटायर हो चुके हैं। केंद्र का पत्र 5 बजे के आसपास आया, दूसरा पत्र, लेकिन उससे पहले ही आलापन बनर्जी ने सेवानिवृत्ति ले ली थी। तो अब बार बार ममता ने सुबह भी चिट्ठी दी थी, कल शाम को भी 5 पेज की चिट्ठी दी है, फिर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने शोले के मशहूर डायलॉग जो डर गया सो मर गया की तर्ज पर प्रधानमंत्री पर करारे हमले किए। और आप समझ सकते हैं 5 पेज लंबा पत्र, और ममता ने एक बार फिर वही बांग्ला राष्ट्रवाद उपराष्ट्रवाद की भावना को उभारा है। इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शनिवार को उन्होंने कहा था कि क्या बंगाली होने के नाते ही आलापन बनर्जी पर कार्रवाई की जा रही है, और बांग्ला उपराष्ट्रवाद की वजह से ममता को चुनाव में काफ़ी फायदा हुआ है, ये अभूतपूर्व कामयाबी मिली थी उनको, और इसके आगे बीजेपी का कथित हिंदुत्ववाद फेल हो गया था एक तरह से। और ममता के पास कई पहलू हैं, उन्होंने बिंदुवार जवाब दिया, पत्र में भी बिंदुवार लिखा है प्रधानमंत्री को। उनका कहना है कि राज्य सरकार के साथ कोई सलाह मशविरा किए बिना केंद्र का यह फैसला एक तरफा है,
किसी वो जिस अधिकारी को डेपुटेशन पर बुलाया गया उसकी भी राय नहीं मांगी गई। और ये जो 1954 का इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कैडर रूल्स है उसका सरेआम उल्लंघन है, उसका कोई प्रावधान पालन नहीं किया गया है। दरअसल उसमें पहला प्रावधान है कि ऐसे किसी मामले में राज्य सरकार की सलाह से ही केंद्र सरकार आगे बढ़ेगी, और इसके बाद दूसरा प्रावधान है कि अगर केंद्र और राज्य में इस मुद्दे पर मतभेद होता है तो केंद्र सरकार के फैसले को ही माना जाएगा, मान्य होगा। ममता का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने हड़बड़ी में पहली प्रक्रिया की अनदेखी की है, यानी राज्य सरकार के साथ कोई सलाह मशविरा नहीं किया है, इसलिए ये पूरी तरह गैरकानूनी और असंवैधानिक है। और ममता का सवाल है कि जब अभी एक सप्ताह पहले ही सेवा विस्तार दिया गया था तो फिर उनको बुलाने का क्या तुक है, ये दोनों आदेश परस्पर विरोधाभासी हैं, और अगर उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया दिल्ली तो फिर जिस वजह से उनको यहाँ सेवा विस्तार दिया गया है वो वजह बेमानी हो जाएगी। ममता ने इसी दलील के आधार पर सेवा विस्तार देने का अनुरोध किया था कि राज्य में महामारी कोविड जो फैल रही है लगातार तेज़ी से, उसका प्रबंधन संभाल रहे हैं आलापन बनर्जी, लेकिन अगर अब वही यहाँ से चले गए तो फिर सेवा विस्तार का कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए आलापन ने सेवा विस्तार लिए बिना अपने नियत समय पर ही 31 मई को रिटायरमेंट ले लिया। और ममता ने अपने पत्र में प्रधानमंत्री से यह भी जानना चाहा है कि क्या 28 मई को कलाईकुंडा में जो समीक्षा बैठक थी, इस मुख्य सचिव के तबादले के आदेश का क्या उससे कोई संबंध है, और अगर है तो ये काफ़ी दुर्भाग्यजनक है। और ममता ने कहा कि हाल में मुख्य सचिव के घर में कोविड से एक मृत्यु हुई है, उनके छोटे भाई की मौत हुई है, तो ये बहुत गलत है, इसमें एक तरफा और राजनीतिक मकसद से जो तबादला किया गया है इसमें कोई संदेह नहीं रह गया है, और ये कोई अच्छी बात नहीं है लोकतंत्र के लिए, संघवाद के लिए। और ममता ने कहा कि वो चाहती तो आलापन को मुख्य सचिव भी रख सकती थी, लेकिन मुख्य सचिव आलापन ने खुद ही कहा था कि वो रिटायर होना चाहते हैं, तो मैंने उनके फैसले का सम्मान करते हुए उनको रिटायर होने दिया और फिर उनको अपना मुख्य सलाहकार बना लिया। ममता का कहना था कि मुख्य सचिव का फैसला बहुत ही साहसिक है और इसके लिए इतिहास में उनका नाम दर्ज होगा, बंगाल को ऐसे सच्चे अफसरों की ज़रूरत है, अब वो 3 साल तक हमारे साथ काम करेंगे। ममता ने कहा कि बीते 74 वर्षों में ऐसी कोई घटना हुई हो ये याद नहीं आती है मुझे, और ऐसा निर्दयी और निर्मम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मैंने नहीं देखा है। दूसरी ओर प्रशासनिक हलकों में भी आलापन बनर्जी के इस फैसले की सराहना की जा रही है, और जानकारों का कहना है कि अब एक बार सेवानिवृत्ति के बाद केंद्र सरकार का उन पर कोई हक नहीं रह जाएगा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगी क्योंकि उन्होंने कोई भी गैरकानूनी काम नहीं किया है, उन्होंने एक्सटेंशन लेने से मना कर दिया और नियत समय पर रिटायर हो गए, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। 31 को दिल्ली इसलिए नहीं जा पाए कि राज्य सरकार ने उनको रिलीज़ नहीं किया था, तो इसमें कहीं भी कानूनी तौर पर गलत नहीं है, और अगर ये मामला अदालत में भी जाता है तो आलापन का बाल बांका नहीं होगा। लेकिन राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा है कि ये मामला यहीं नहीं थमेगा, ये काफ़ी आगे जाएगा क्योंकि ये अहंग की लड़ाई है, नाक की लड़ाई है, दोनों का टकराव है जैसा पहले भी होता रहा है। तो अब आगे देखते हैं इस मुद्दे पर केंद्र क्या कदम उठाता है, इसके बाद ही इस पर कई चीज़ें निर्भर होती है, तो मैं आपको इस बारे में भी बताता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार। चलने से पहले एक बार फिर अनुरोध कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें, इससे मेरे कार्यक्रमों की सूचना आपको मिलती रहेगी। एक बार फिर आपको धन्यवाद, नमस्कार।